हैं दिल्ली से सटे हरियाणा की, जहां 24 घंटे हैवानियत की 3 वारदात हुई है। फरीदाबाद, जिंद और पानीपत में गैंगरेप किया गया है। फरीदाबाद में चलती कार में एक युवती से गैंगरेप किया गया और उसे सड़क के किनारे फेंककर आरोपी फरार हो गए। वहीं पानीपत में एक बच्ची की हत्या करने के बाद उसकी लाश के साथ हैवानियत की गई और जिंद में एक छात्रा को नशीली दवा पिलाकर उसके साथ रेप किया गया। ये 3 तस्वीरें हरियाणा की हम आपको दिखा रहे हैं, फरीदाबाद, पानीपत और जिंद की। और चौथी बड़ी खबर भी हरियाणा से आ रही है, पिंजौर में 10 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। ये 4 तस्वीरें हम आपको, 4 वारदात बड़ी जो है हरियाणा की वो हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा में रेप की एक और वारदात, पता नहीं खट्टर सरकार कानों में तेल देकर सो रही है। जिस तरह से ये क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है और छोटी बच्चियों के साथ इस तरीके की हरकतें, गांव के ही एक आदमी ने ये दरिंदगी की है। और ये 4थी खबर रेप की हरियाणा से आ रही है। मुझे जानकारी मिली है उसमें जो दोनों कल्प्रेट हैं उनको पानीपत में तो जो कल्प्रेट उसको पकड़ लिया गया है और पहचान कुशेत्र वाले में भी कर ली गई है, बहुत जल्दी उसको पकड़ लिया जाएगा। इसलिए किसी भी घटना के होने के बाद पुलिस एक्शन में आकर के कितना जल्दी उसको सॉल्व करती है, यही एक प्रकार की पुलिस की कार्यप्रणाली का एक समाचार। हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन परमार जुड़ गए हैं। विपिन, ये क्या हो रहा है, किस तरह की हैवानियत है ये? 24 घंटे में 4 रेप के केसेस और मुख्यमंत्री को हम सुन रहे हैं कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। देखिए, नए साल पर हरियाणा के लोगों ने ये दुआ करी थी कि शांति से ये साल बीतते। 2017 में भी इसी तरह की कई घटनाएं देखने को मिली थी। नए साल के पहले महीने की अगर बात की जाए तो इस तरह से पिछले 24 घंटे में 4 वारदातें, 4 भी नहीं 5, एक सफीदों में भी एक मामला जो है एक और नया सामने आया है शुभना। और ऐसे में हरियाणा सरकार पर सवाल उठने लाजमी है कि आप कर क्या रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से ये घटनाएं हो रही है, दिन दिहाड़े युवतियों को किडनैप किया जाता है। फरीदाबाद में जो देखने को आया, प्रत्यक्षदर्शी जो है वो नंबर भी बताते हैं गाड़ी का, लेकिन आप अनेबल करते हो जाते हैं पूरी तरह से उसको ट्रेस करने में। सफीदों, पानीपत और अब ये पिंजौर की जो घटना सामने आई है, इससे पूरी तरह से साफ है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है चरमरा चुकी है हरियाणा में। हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कहते जरूर नजर आते हैं कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, कुख्यात मामले में आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, लेकिन आपके वो 1091 नंबर कहां है? आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, आपका लिंग अनुपात जो है उसमें सुधार जरूर हुआ है, लेकिन बच्चियों की सुरक्षा कहां है? ये कई सवाल हैं जो हरियाणा सरकार पर खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल विपिन, आप ठीक कह रहे हैं, सुरक्षा पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और